कैड अकेडमी एंड सिविल कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी इंजीनियर शालीन सिंह रजिस्टर्ड नगर निगम सागर मकरोनिया नगर पालिका एवं TNCP से कराए नक्शे पास MIG 93 रोड सागर। यूनिवर्सिटी में दो दिन पहले सिविल लाइन थाना प्रभारी रीता सिंह ने प्रदर्शन कर रही छात्राओं को FIR की धमकी दी थी। थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर भारतीय विद्यार्थी सेना ने SP को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की है और कहा है कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है, अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सिविल लाइन थाने का घेराव करेंगे। ये दो दिन पूर्व छात्राओं विश्वविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था विश्वविद्यालय परिसर में। मतलब क्या है कि जो विश्वविद्यालय की छात्रावास है वहाँ पे कुछ अनियमितताएं चल रही हैं और लड़कियों को ये रूम नहीं रहने के लिए, जिसके पहले ज्ञापन के माध्यम से अपने कुलपति महोदय जी को अवगत कराया गया था, परंतु जब इसका कोई हल नहीं निकला तो छात्राओं ने प्रदर्शन किया और चक्कागाम किया, जिसमें सिविल लाइन थाने से बल पहुंचा और साथ में जो थाना प्रभारी रीता सिंह जी, उन्होंने इसको पहले रोकने का प्रयास किया। वो ठीक है, छात्र कर रहे थे आंदोलन तो रोकना बंद, लेकिन ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि आप उनको मजा अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्राएं और छात्र तो आप उनको FIR करने की धमकी दे बेवजह से। और एक छात्रा का तो उन्होंने मुंह पकड़ के धक्का भी दिया था, जिसका वीडियो वायरल फेसबुक वगैरह पे और आपके चैनल के माध्यम से हुआ था। तो कहीं ना कहीं या तो रीता सिंह जी हैं जो हमारे संविधानिक अधिकार है उनका हनन कर रही हैं, या फिर ये सब जानती, या तो उनको इस चीज की जानकारी नहीं है, पर अगर जानकारी है तो छात्राओं के हमारे विद्यार्थियों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जबकि प्रदर्शन करना हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो धारा अनुच्छेद 19 है उसका खंड 1 का सब खंड 2 में यह अधिकार प्राप्त है कि हमें अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही इसमें हम अपना प्रदर्शन धरना कर सकते हैं। अगर राज्य की जो सुरक्षा को ठेस नहीं पहुंचता और ना ही एक अगर धरना प्रदर्शन राजनीतिक हो, जबकि विद्यार्थियों का जो आंदोलन था प्रदर्शन था वो गैर राजनीतिक था, उसमें कोई भी राजनीतिक संगठन सम्मिलित नहीं था, वह सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्राएं थे, विद्यार्थी थे और अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो किस रूप में ये रीता सिंह जी जो हैं अपनी वर्दी का रूप देख, अगर कार्यवाही नहीं करते हैं, अभी SP ऑफिस से हमारे लिए बोला गया है कि जांच करवाई जाएगी और अगर वह दोषी पाए जाती हैं तो उन पे कार्यवाही होगी, अगर कार्यवाही नहीं होती है तो शिवसेना संगठन विद्यार्थियों के साथ मिलकर और उग्र आंदोलन करेगी और सिविल लाइन थाना का घेराव करेगी। इंस्पायरिंग कैड अकेडमी एंड कंसल्टेंसी बनाए अपने सपनों का घर इंजीनियर शालीन सिंह के साथ एवं नक्शा पास कराएं नगर निगम एवं TNCP से रजिस्टर्ड इंजीनियर विगत 6 वर्षों से सागर का एकमात्र ISO सर्टिफाइड अकेडमी ऑटो कैड रेविट 3DS Max स्टैट प्रो मैक्स रोड इन सभी सॉफ्टवेयर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैपिंग प्लानिंग एस्टीमेटिंग टोटल स्टेशन सर्वे उत्तम गुणवत्ता के साथ सभी प्रकार के सिविल इंजीनियर के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है MIG 9 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तिली रोड सागर।